हेलो दोस्तों दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। जो बच्चे बीए एलएलबी में सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक का नाम है रेलिवेंस ऑफ सोशियोलॉजी टू द स्टडी ऑफ लॉ, या फिर रेलिवेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन द स्टडी ऑफ लॉ। सोशियोलॉजी पढ़ने का लॉ की स्टडी में क्या महत्व है। जो जो बच्चे बीए एलएलबी करते हैं उनको सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, तो हम इस लॉ की स्टडी में सोशियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन लॉ एंड सोशियोलॉजी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोशियोलॉजी, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, फिर भी आपने मटेरियल यही लिखना है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को आपने हमेशा शुरू करना होता है। तो अगर मैं इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हमें पता है कि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी टर्म वॉज क्वाइंड बाय अगस्त कॉम्टे इन 1838। अगस्त कॉम्टे वॉज अ फ्रेंच फिलोसफर एंड ही क्वाइंड द टर्म वेरी फर्स्ट टाइम इन 1838, एंड देयरफॉर अगस्त कॉम्टे को हम ही इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। जो टर्म सोशियोलॉजी है ये लैटिन टर्म सोसाइटस एंड ग्रीक टर्म लोगोस, ये सारी बातें मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छे डिस्कस करी हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सबसे पहली वीडियो सोशियोलॉजी उसका नेचर ये जरूर देखिए, उसका मीनिंग एंड नेचर इस वीडियो में आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो जो टर्म सोशियोलॉजी है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म सोसाइटस एंड ग्रीक टर्म लोगोस। सोसाइटस का मतलब होता है सोसाइटी, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी और साइंस। और अगर हम दोनों टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं, इफ वी कंबाइन बोथ द टर्म्स, सोशियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी। टर्म सोसाइटी बहुत बड़ी सोसाइटी है। सोसाइटी में आप रहते हो, आपको सोसाइटी में लोगों का कल्चर देखने को मिलता है, कल्चर भी सोशियोलॉजी की स्टडी में आता है। आप सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में लोग मैरिज करते हैं, अपने रिश्ते बनाते हैं, किनशिप नातेदारी, ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी में आती हैं। आप सोसाइटी में रहते हो, सभी का अपना रोल है, सभी का स्टेटस है, सभी की वहाँ कास्ट होती है, क्रीड होता है, सेक्स होता है, और उस वहाँ पर स्टार्टिफिकेशन पाई जाती है, और ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, सोशियोलॉजी की स्टडी में। सोशियोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी स्कोप बहुत बड़ी हो गई है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लॉ की बात करूँ, लॉ तो लॉ का सिंपल सा मतलब होता है बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी, फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी। लॉ का मतलब है सभी रूल्स रेगुलेशन जो सोसाइटी के मेंबर्स को रेगुलेट करने के लिए, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो लॉज किसको कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। लॉ कौन है जी, वो सोसाइटी ही तो है, सोसाइटी का ही पार्ट तो है। इसलिए लॉ और सोशियोलॉजी का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमने एक अच्छा लॉयर बनना है, अच्छा एडवोकेट बनना है, तो हमें सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, सोसाइटी का नॉलेज होना चाहिए। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर आप सेकेंड हैडिंग बनाओगे, आप बनाओगे दैट वुड बी फर्स्ट हैडिंग। अब सेकेंड बनाओगे आप मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर आपने ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। अब मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी में आप क्या लिखोगे, सोशियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी, इट इज अ साइंस विच डील्स विद द सोसाइटी, इट इज सोशल साइंस विच डील्स विद द सोसाइटी, इट डील्स विद द एसोसिएशन कम्युनिटी सोसाइटी देन इंस्टीट्यूशन कल्चर ट्रेडिशन कस्टम फोक वेज मोर वैल्यूज रोल स्टेटस स्टार्टिफिकेशन पावर अथॉरिटी, ये सारी बातों से सोशियोलॉजी ही तो डील करती है। आप ये सारी इसमें मीनिंग में लिख दोगे। उसके बाद आप अगला जो मीनिंग लिखोगे आप वो लिखोगे मीनिंग ऑफ लॉ।
what is the meaning of law? The term law means rules and regulations which are made for regulating the behavior of someone. अब finally ये सारा अच्छे से frame करने के बाद you will start with the relevance of sociology to the study of law or relationship between the law and sociology. अब हम उस पर आएंगे. तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं relevance of sociology to the study of law की बात करूँ तो मैंने कुछ एक headings बनाई हैं. आप इन headings में काफ़ी अच्छे से इनको explain भी करोगे. Explanation में आपको भी बताऊँगा. तो सबसे पहला point बनता है laws are made for the welfare of society. What is sociology? Sociology is the study of society. And उस society के welfare के लिए laws बनाए जाते हैं. And what are the laws? Laws means rules and regulations which are made for the welfare of society. मतलब एक तरफ sociology है, उस सोशियोलॉजी किसकी स्टडी करती है? सोसाइटी की. और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या क्या बनाए जाते हैं? लॉज बनाए जाते हैं. इट मींस बोथ लॉ एंड सोशियोलॉजी बोथ आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर. वी कैन नॉट सेपरेट द बोथ. भी हम दोनों आपको आपस में सेपरेट ही नहीं कर सकते. अगर ये सोशियोलॉजी की स्टडी सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी करता है तो उस सोसाइटी को चलाने के लिए हमें लॉज चाहिए, वेलफेयर के लिए लॉज चाहिए. तो लॉ और सोशियोलॉजी आर इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट. दोस्तों इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल. सोशल कंट्रोल का सिंपल सा मतलब होता है कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर इट्स मेंबर्स. मेंबर्स के ऊपर सोसाइटी का कंट्रोल सोशल कंट्रोल कहलाता है. तो मेरे दोस्तों सोशल कंट्रोल के बहुत सारे मेथड होते हैं. सोसाइटी बहुत सारे मेथड यूज़ करती है अपने सिटीजन्स को, अपने मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए. कंट्रोल क्यों करना? ताकि वो अपनी लिमिट्स क्रॉस ना कर सकें, ताकि वो आउट ऑफ लिमिट ना जाएं, ताकि वो सोसाइटी को माने और सभी वो ऐसा कुछ ना करें कि जिससे किसी का गलत किसी के साथ गलत हो, वो सभी के साथ इक्वलिटी हो वहाँ पे. तो सोशल कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी बहुत से मेथड यूज़ करती है. रिलीजन भी एक मेथड है सोशल कंट्रोल का. जब एक पर्सन का जो रिलीजन है वो एक पर्सन को कंट्रोल कर देता है, उसे पता है मेरा रिलीजन है वो ये चीज़ अलो नहीं करता, वो वैसे काम नहीं करता. फिर एक प्रोपेगेंडा, किसी के बारे में कुछ प्रचार करना बंदे को कंट्रोल करता है. मेरे बारे में कोई प्रचार कर रहा है, मुझे अच्छा बता रहा है तो मैं गलत नहीं करूँगा, मुझे पता है सोसाइटी के आगे मेरी अच्छी इमेज बनी है. तो सोशल कंट्रोल के बहुत से मेथड होते हैं. उसमें एक फॉर्मल मेथड होता है लॉ. लॉ सोशल कंट्रोल करने का बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है. लॉ के जरिए सोसाइटी कंट्रोल हमेशा होती है. हमारे सोसाइटी में लॉज बने हैं तभी आज काफ़ी लोग जो हैं वो अफेंस कमिट नहीं करते, अपराध नहीं करते, चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते, रेप नहीं करते, मर्डर नहीं करते. अगर लॉज नहीं बने होते, लोग खुले आम होते तो लोग जो मर्जी करते. तो लॉज जो है दे आर वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन द सोसाइटी. लॉ and sociology are closely connected because sociology is the study of society. Sociology क्या है? Study of society है. Society और social control, ये जो social control है जो कि society में पाया जाता है, ये भी sociology की study है. और social control के लिए law की बहुत ज़रूरत है. मतलब law and sociology interlink कर रहे हैं आपस में. Next point, it is a society which determines the purpose of law. It is society which determines the purpose and nature of law. कर लो आप. एक सोसाइटी में लॉ कैसा होगा ये सोसाइटी ही डिसाइड करती है. सोसाइटी के लोग डिसाइड करते हैं, सोसाइटी का सिनेरियो डिसाइड करता है. आप अरब कंट्रीज में जाओ, वहाँ पे लॉ काफ़ी हार्श हैं, काफ़ी टफ हैं, बहुत खतरनाक पनिशमेंट दी जाती है बंदों को ऑफेंस करने के बाद. इंडिया में लॉ काफ़ी लिबरल हैं, जो कानून बनते हैं वो रिफॉर्मेटिव नेचर के बनते हैं. पनिशमेंट बनती है लेकिन मेन पर्पज़ होता है पनिशमेंट का रिफॉर्म करना क्रिमिनल्स को. जैसा कि महात्मा गांधी ने बोला था, क्रिमिनल से घृणा मत करो, क्राइम से घृणा करो आप. ठीक है, तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमारे इंडिया में इंडियन की जो सोसाइटी है वहाँ पर जो कानून बनते हैं वो रिफॉर्मेटिव नेचर के हैं, जिसमें लोगों का रिफॉर्म करना ज़्यादा ऊपर रखा जाता है, ना कि उसको ख़त्म करना. तो जो कानून कैसे होंगे ये सोसाइटी के ऊपर ही डिपेंड करता है. कानून का नेचर कैसा होगा, पर्पस क्या होगा, ये सोसाइटी डिसाइड करती है. ऑब्वियसली बात है, अरेबियन सोसाइटी के हिसाब से टफ कानून है, इंडियन सोसाइटी के हिसाब से लिबरल कानून है. सोसाइटी ने डिसाइड किया हुआ है. दिस इज द अदर रिलेशनशिप कि लॉ और सोसाइटी आपस में लिंक करते हैं. लॉ और सोशियोलॉजी आपस में क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर. नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी एंड ज्यूरिसप्रूडेंस आर क्लोजली कनेक्टेड. सोशियोलॉजी और ज्यूरिसप्रूडेंस, सोशियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी, ज्यूरिसप्रूडेंस मीन्स स्टडी ऑफ लॉ और नॉलेज ऑफ लॉ, ये दोनों आपस में क्लोजली कनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं. द बोथ आर इंटरलिंक्ड, दे बोथ आर क्लोजली कनेक्टेड. ये दोनों आपस में इस तरह क्लोजली कनेक्टेड हैं
कि एक नई ब्रांच निकल के सामने आई है जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। सोशियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, ये सोशियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस का कंसेप्ट है, ये रोस्को पाउंड हमारे जूरिस्ट हैं, उन्होंने दिया था। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक अभी कर दें, और साथ ही आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। मैं अपना गूगल पे नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप हमें गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप हमें अगर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहें 8219820461 आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये कंपलसरी नहीं है, ये आपकी डिज़ायर है। एक रुपये से लेकर कितना भी अमाउंट आप अगर हमें देना चाहो, आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल होती हैं, तो आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट जो है वो ये है कि लॉयर एंड जजेस विदाउट सोशल प्रॉब्लम्स वुड बी हैंडीकैप्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ। क्या लिखा हुआ है, एक पर्सन जो जज है सोसाइटी में या एक पर्सन जो लॉयर है सोसाइटी में, अगर उसको सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का पता नहीं है तो वो हैंडीकैप है। अर्थात एक पर्सन जो जज बनता है, एडवोकेट बनता है, वो तभी जज और एडवोकेट के रूप में अच्छा काम कर सकता है जब उसे सोसाइटी के बारे में पता है। और सोसाइटी के बारे में पता कैसे चलेगा, सोशियोलॉजी को पढ़ के। सोशियोलॉजी एंड लॉ, दे बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर बिकॉज सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ society and a lawyer must have a knowledge of what is society for doing his work properly। आप ये बात इसमें लिखोगे। इसके बाद एक और पॉइंट आप लिख सकते हो रिलेशनशिप में, जो कि है society without law would be jungle। jungle। Law without society without law would be jungle। Society बिना law के क्या होगी, जंगल बन जाएगी। जंगल में क्या होता है, the principle of might is right is applied। Everyone who is powerful वो दूसरे को dominate करता है। अगर सोसाइटी में लॉज नहीं हुए तो सोसाइटी में भी ऐसा होगा, जो पावरफुल पर्सन है वो जो मर्जी करेगा, जो उसका मन करेगा वो करेगा। रेप, मर्डर, चोरी, डकैती, रोबरी, ये सारे ऑफेंसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि पावरफुल लोग ये सारे ऑफेंस कमिट करेंगे। इसीलिए लॉज की बहुत महत्व, हमें नीड है सोसाइटी में पीस मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को जंगल बनाने से रोकने के लिए। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिखोगे मेरे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। इसके बाद आगे आप अब लिखोगे सोशल ऑब्जेक्ट्स ऑफ लॉ। सोशल ऑब्जेक्ट्स ऑफ लॉ आपने लिखने हैं। आप जब रेलिवेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन टू स्टडी ऑफ लॉ लिखोगे तो इसमें ये सारी रिलेशनशिप लिखने आप लिखोगे सोशल ऑब्जेक्ट्स ऑफ लॉ। तो सबसे पहला जो सोशल ऑब्जेक्ट है लॉ का, वो है टू ब्रिंग इक्वलिटी। लॉ का मेन मोटो है सोसाइटी में इक्वलिटी लाना, सोसाइटी में समानता लाना। लॉ क्यों बनाए जाते हैं, लोगों को समान इक्वल ट्रीट करने के लिए, उनमें समानता लाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए। हमारे इंडिया में भी फंडामेंटल राइट्स टू इक्वलिटी दिया गया है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जरिए। मतलब जो लॉ है वो जो है हमारे लिए सोसाइटी में क्या लेके आता है, इक्वलिटी लेके आता है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी, हम लोग सोसाइटी में सिक्योर फील करते हैं। क्यों सिक्योर फील करते हैं, लॉ की वजह से, कानूनों की वजह से। कानून है तभी हम सोशल सिक्योर फील कर रहे हैं, हम सोसाइटी में सिक्योर फील कर रहे हैं। कानून नहीं होते तो डर का माहौल होता, पता नहीं कौन आके मार देता, चोरी कर लेता, डकैती कर लेता, रोबरी कर लेता। लेकिन वी आर फीलिंग सिक्योर इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ लॉ। देयरफॉर द पर्पज ऑफ लॉ, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज टू ब्रिंग द सोशल सिक्योरिटी इन द सोसाइटी। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो टू ब्रिंग अबाउट द डिसिप्लिन इन द सोसाइटी। जो अदर ऑब्जेक्ट है सोसाइटी लॉ का सोसाइटी में, सोशियोलॉजी सोसाइटी में जो लॉ का अदर ऑब्जेक्ट है वो है डिसिप्लिन लाना। लॉ सोसाइटी में डिसिप्लिन लेकर आता है, लोगों को डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, डिसिप्लिन में कैसे काम होता है ये सिखाता है। तो अदर ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज टू ब्रिंग अबाउट द डिसिप्लिन इन द सोसाइटी, ये आप इसमें लिखोगे। आगे आप लिख सकते हो
मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर. द अदर पर्पज ऑफ अदर सोशल ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज टू ब्रिंग पीस एंड ऑर्डर, मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी. लॉज हैं तो सभी लोग पीसफुली रहते हैं, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, एक प्रॉपर सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है. अगर कानून नहीं होते, लॉज नहीं होते, तो ये भी इम्पॉसिबल हो जाता. देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी के लिए लॉज बहुत ज़रूरी हैं. सोसाइटी सोशोलॉजी की स्टडी है. लॉ तो अपना एक अलग डिसप्लिन है, जिसका मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी. तो दोनों आपस में क्लोजली कनेक्ट करते हैं. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, पसंद आई होगी. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस.